फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन किचन। आज हम लोग क्रिएशन किचन में बनाते हैं बेल का शरबत। बेल को गर्मियों का किंग माना जाता है क्योंकि ये हमें गर्मियों में लू से बचाता है और हमारे पेट को ठंडा रखता है। आयुर्वेद में इसे अमृत फल के नाम से जाना जाता है। इसे शीतल फल भी बोलते हैं। तो आइए आज हम लोग बनाते हैं इसी शीतल फल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए बेल पका हुआ होना जरूरी है। बेल पका हुआ है या नहीं, इसे देखने के लिए इसके पीछे जो छोटी सी डंडी लगी होती है उसे तोड़ के देख ले। अगर आसानी से टूट जाती है तो इसका मतलब है कि बेल पका हुआ है। अगर नहीं टूटती है तो इसका मतलब है कि बेल अभी कच्चा है। इसे मैं बेलन से मार के तोड़ लेती हूँ। आप इसे जमीन पे पटक के भी तोड़ सकते हैं, पर टाइल्स वाले जमीन पर पटक के ना तोड़े क्योंकि बेल टूटे ना टूटे टाइल्स जरूर टूट जाएगी। तो ये बेल तो हमारा बेलन से ही टूट गया है। अब मैं इसे एक स्पून से इसके सारे पल्प को निकाल लेती हूँ और जो इसके शेल में लगा है पल्प उसे भी अच्छी तरह निकाल लूंगी और एक बर्तन में डाल दूंगी। स्पून से मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है और शेल को अलग कर लिया है। बहुत आसानी से स्पून से सारे पल्प निकल जाते हैं। इसे मिक्सी में पीसकर नहीं बनाना है क्योंकि ये जो बीज है इसकी ये बहुत ही कड़वी होती है। आप इसे मिक्सी में पीसकर बनाएंगे तो ये इसका बीज भी पिस जाएगा और ये आपके शरबत को कड़वा कर देगा। इसे हाथ से ही बनाना है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ 3 से 4 ग्लास के करीब और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी ताकि इसका पल्प जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। 30 मिनट के बाद मैं इसे मैसर से मैश कर लूँगी। ये मैसर से बहुत ही अच्छी तरह मैश हो जाता है। इसे थोड़ा दबा दबा कर मैश करना है। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। हाथ से भी ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाता है। अब मैं एक बाउल के ऊपर एक छन्नी रख देती हूँ और इसके ऊपर मैश किया बेल डाल देती हूँ ताकि इसका पल्प बाउल में आ जाए और जो इसका रेशा और बीज है वो निकल जाए। चम्मच से दबा दबा कर पल्प को निकाल लेना है और वेस्टेज को फेंक देना है। बेल का शरबत बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। इसमें थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। जो लोग गाढ़ा पीते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर मैं यहाँ पे 1 गिलास और पानी डाल देती हूँ। बस इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब मैंने एक नींबू लिया है, इसे काट लेती हूँ और शरबत के ऊपर एक छन्नी लगाकर इसके रस को निकाल लेती हूँ ताकि इसके बीज और रेशे शरबत में ना जाए। एक बेल से हमारा 4 से 5 ग्लास शरबत बन जाता है। तो इसमें कम से कम 6 से 7 बड़े चम्मच चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। चीनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है, इसे डाल देती हूँ। ये काला नमक है, इसे भी 1/2 चम्मच डाल देती हूँ। इससे शरबत का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे सर्व करने के लिए ग्लास में निकाल लेती हूँ। अब इसे ठंडा ठंडा कूल कूल करने के लिए
इसमें आइस डाल देती हूँ। नींबू की स्लाइस से इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो आप इस गर्मी में बेल का शरबत जरूर बनाएं, अपने तन मन और पेट को ठंडा करें, लू से बचें, पर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।